प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों कैसे हो? अच्छे। हाँ बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 गणित और अध्याय 8 है बच्चों। बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं अध्याय का नाम है बच्चों। बच्चों इससे पहले हम 8.1, 2 और 3 कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम 8.4 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो 8.4 में हमने क्या करना, अब हमारे पास जो बीजीय व्यंजक होंगे वो दो दो पद के होंगे, तो उनको आपस में गुणा करना सीखेंगे हम। ठीक है, द्विपदों को गुणा कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द्विपदों को गुणा कीजिए। द्विपदों को क्या करना है, हमने गुणा करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, देखिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे, नहीं ये क्वेश्चन आपके बड़ी क्लासों में जहां तक भी आप मैथ करोगे ना वहां तक आपको तंग करेंगे नहीं, तो इसलिए आप अभी ध्यान से समझें। तो इसमें उत्तर देखिए बच्चों, उत्तर आया इसका फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें देखिए 2x+5 को हमने गुणा करना है 4x-3 से, तो इन दोनों को हमने ब्रैकेट के बीच में लिखना है जैसे ये लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए आपने ध्यान से समझने ये पॉइंट, ये जो इसमें दो पद हैं, जैसे एक पद ये है और एक पद ये है दूसरा। ठीक है, तो पहले एक पद को हम इन अंदर जितने भी पद होंगे ब्रैकेट में सबसे गुणा करेंगे बारी बारी से, फिर इस 5 को भी दूसरे पद को भी इनसे गुणा करेंगे, और जैसा भी चिन्ह आएगा चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, वो ध्यान में रखना है अपने गुणा करते। ठीक है, तो ये 2x को 4x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, दो ऐसे ही लिख लेता हूं पहले, 2x+4x, फिर 2x को -3 से गुणा, -3×2x, यानी 2x को पहले मैंने 4x से किया ये लिख दिया, फिर 2x को -3 से किया ये लिख दिया। अब 5 को भी इन दोनों से गुणा करना है, आगे लिखेंगे हम, दोनों जमा गए हैं तो जमा लिखेंगे, 5×4x, फिर 5 को -3 से, -5×3। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा 4×8, x×x, x की शक्ति 2, फिर माइनस के 6, 3×6 और x, फिर 5×20, 20x भी है इनके साथ, और -15। अब ये x है ये भी x में है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 20 जमा के हैं माइनस के 6 हैं, तो क्या बचेंगे बच्चों, तो ये हम लिखेंगे 8x² + 14x - 15। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये कर लीजिए। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, कहाँ पे आएगा माइनस बेटा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये जमा के 14 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जमा के 20 ज्यादा है, माइनस का 6 कम है, अलग है, तो जमा ज्यादा वाले का चिन्ह ही आएगा जमा। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है, देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है आपका। ठीक है, y-8 को गुणा करना है बच्चों 3y-4 से। ठीक है, तो पहले y को इन दोनों से गुणा कर दें तो क्या आएगा, सीधा गुणा करके लिखो, y×3y, 3y² फिर y×-4 तो -4y, फिर -8×3y तो -8×24y तो -8×-4, अब दोनों माइनस के हैं गुणा हो के जमा हो जाएंगे, तो 8×32 जमा के, फिर आपने क्या लिखना बच्चों, 3, अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के ही, तो 24 और 4 28, -28y जमा 32, ये आंसर है बच्चों। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है आपका, तीसरा पार्ट है, देखें तो तीसरे पार्ट में इसको इससे गुणा करना है बच्चों, तो
तो ये आ जाएगा 2.5L माइनस 0.5M। इसको ध्यान से समझे बच्चे, इसको इससे गुणा करना है, 2.5L जमा 0.5M से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है वैसे गुणा करने का, ए ये देखो ए माइनस बी गुणा में ए जमा बी, ठीक है, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इनको आपस में गुणा करके फिर भी वही आंसर आएगा जैसे हम कर रहे हैं ये, या आप सीधा फार्मूला भी लगा सकते हो इसमें, फार्मूला लगाएं हम इसमें। देखो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए बच्चों, a माइनस बी और गुणा a जमा बी, तो ये होता है जैसे ये है a माइनस बी और यही सेम चीज ये है, देखो a और ये जमा आ गया यहाँ पे b, तो ये दोनों ऐसे होते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसका स्क्वायर 2.5L स्क्वायर माइनस बी, बी है 0.5M का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 25 है, 2.5 का मतलब 25 है, एक तरह से दशमलव बाद में लगाएंगे, 25 गुणा 25 625 होते हैं, तो 625, ठीक है। और दशमलव लगाने के लिए हमें दो अक्षर छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे, 6.25 एल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 5 गुणा 5 5 25 होते हैं, और यहाँ भी दो अक्षर के आगे दशमलव लगेगा, माइनस आ जाएगा 0.25M स्क्वायर। तो ये आंसर है बच्चों इसका, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप, फिर आपका अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट। चलो अगले तीन पार्ट बाद में कर देंगे इसको साफ करके, इसको कर लें जल्दी, पहले आप कर लिया, ठीक है। इसका आंसर एक बार और यहाँ लिख दूँ ठीक से, नहीं आ रहा है, 6.25L स्क्वायर माइनस 0.25M स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर है, ठीक। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट अगला, ठीक है बच्चों। आगे है इसका अगला पार्ट है, जैसे थर्ड ये फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, तो ये लिख लिया हमने। अब a को इनसे गुणा करेंगे, 3b को इनसे, तो ये आ जाएगा ax जमा 5a जमा 3bx जमा 3b गुणा 15, 3b गुणा 5 तो 15 लिख सकते हो आप, या 3 गुणा 5b लिख लो ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ax हो रहा है नहीं, जमा 5a है जमा 3bx है और जमा 15b आंसर आए, ठीक है। अब हम कर देते हैं फिफ्थ पार्ट, तो पांचवा पार्ट है आपके पास जैसे, तो ये है देखिए 2pq जमा 3q स्क्वायर को गुणा करना है 3pq माइनस 2q स्क्वायर से, क्यू स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसी को इससे भी करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 × 3 = 6, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 × 3 = 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर 2 × 4 माइनस का आएगा बच्चों, माइनस 4p³³, क्यू गुणा क्यू स्क्वायर क्यू की 3, फिर 3 को इससे दोनों से, 3q स्क्वायर को जमा 3 × 3 = 9 आएगा बच्चों यहाँ पे, क्या आएगा, ठीक है, 9 क्या आएगा बच्चों आगे,
नौ, क्यू की चार है, अच्छा क्यू की तीन, नौ क्या आएगा, नौ क्यू की तीन पी, नौ क्यू की तीन फिर माइनस के छे क्यू चार, तो ये आंसर है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला पार्ट रह गया फोर्थ ना सिक्स्थ पार्ट है, तो ये कर लीजिए, फिर सिक्स्थ पार्ट करेंगे। कर लिया सभी ने, आगे है बच्चों लास्ट पार्ट है, ये भी कर लेते हैं इसका। छठा पार्ट है, उत्तर देखिए आप। तो छठे पार्ट में क्या है? कह रहा है ये है, इनको आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 ए स्क्वेयर जमा 3 बी स्क्वेयर को गुणा करना है 4 ए स्क्वेयर माइनस 2/3 बी स्क्वेयर से। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए, ध्यान देखिए सभी बच्चे इधर। तो अब इस 4 को भी करना है इनके अंदर और इनको भी गुणा करना है, तो हम क्या लिखेंगे? अब ये देखिए, ये गुणा 4 गुणा ये, यानी इस 4 को तो सब में लेना है अपने। ठीक है, तो या 4 को इसको अंदर पहले भी कर सकते हो या इकट्ठे कर लो। तो ये आ जाएगा 3/4 गुणा ए स्क्वेयर गुणा 4 गुणा ए स्क्वेयर। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे, ऐसी 4 भी लेंगे ये भी, फिर ये लेंगे जब माइनस का है ना ये, तो माइनस लगा दिया मैंने। अब ये लिखो 3/4 ए स्क्वेयर गुणा ये 4 भी लेना आपने, गुणा ये भी लेना 2/3 बी स्क्वेयर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ऐसे ही 3 बी स्क्वेयर को इनसे भी करना, तो क्या लिखे आगे? 3 बी स्क्वेयर गुणा 4 गुणा ये, यानी 3 बी स्क्वेयर गुणा 4 ए स्क्वेयर लिख लो, जमा 3 बी स्क्वेयर गुणा 4 ए स्क्वेयर। ठीक है, अब 3 बी स्क्वेयर गुणा 4 और गुणा ये लिखना, माइनस का आएगा, माइनस 3 बी स्क्वेयर 3 बी स्क्वेयर गुणा ये 4 × 8 या 4 लिख लो, गुणा 4 गुणा 2/3 बी स्क्वेयर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए जो कटता है उसको काट लो, ये पूरा एक ही है, तो 4 से 4 काट देते हैं, और ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर कितना, ए की 4, तो ये आ जाएगा 3 ए की 4, फिर माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा माइनस 2 बी की 4, बी की 4। ठीक है, माइनस 2 बी की 4, फिर ये देखिए ये वाला पार्ट है, तो ये 4 × 3 = 12 जमा 12 बी की 2 ए की 2। ठीक है, फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है, और 4 × 8 बी की 4 माइनस के 8 बी की 4, 20² × 20² = 24। अब ये देखिए b की 4 है, ये भी b की 4 है, बाकी और तो सेम है नहीं, तो बाकियों को ऐसे लिख लेते हैं, 3 ए की 4। अब ये b की 4 है, -2 है, -8 है, तो -10 हो जाएंगे, -b की 4। ठीक है, और फिर क्या आएगा, 12 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर जमा के 12 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ठीक है, ये आंसर है आपका इसका। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझे ध्यान से, तो उसका उत्तर देखें क्या आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, 5 − 2x को गुणा करना है किसे, 3 जमा x से बच्चों।
ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वैसे ही पांच को इन दोनों से, फिर माइनस दो एक्स को इन दोनों से करना करें, ठीक है। तो यहां पे कर देते हैं इसको, ध्यान से समझें। तो ये आ जाएगा पांच दिए पंद्रह माइनस पांच, जमा के पांच एक्स आएंगे बच्चों, माइनस के छ एक्स और माइनस के दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अब ये एक्स एक्स दो है, जमा का पांच एक्स है, माइनस का छ एक्स है, तो माइनस का एक्स बचेगा, तो आप लिख सकते हो पंद्रह माइनस एक्स माइनस दो एक्स की शक्ति दो, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हो, या एक्स की शक्ति दो पहले लिखो, इसको बाद में लिख दो, क्योंकि आपके पीछे कई बार ऐसे आता है माइनस दो एक्स की दो माइनस एक्स जमा पंद्रह आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या करें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है देखो, एक्स जमा सात वाई को सात एक्स माइनस वाई से गुणा करना है बच्चों। अब वैसे ही करेंगे, एक्स को पहले करें तो आ जाएगा सात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जमा सात सात चौथ उनचास एक्स वाई और माइनस के सात वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों सात एक्स स्क्वायर, और नहीं है एक्स स्क्वायर कोई भी तो सात एक्स स्क्वायर। अब ये जमा के उनचास एक्स वाई है और माइनस का एक एक्स वाई है, तो जमा के अड़तालीस रह जाएंगे, जमा अड़तालीस एक्स वाई माइनस सात वाई स्क्वायर, ये आंसर है बच्चों आपका, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड पार्ट कर देते हैं, तो इसमें आएगा देखो बच्चों, ए स्क्वायर जमा बी और ए जमा बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर को पहले दोनों से गुणा करेंगे फिर बी को, तो ये आ जाएगा आपके पास ए की पावर तीन और जमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि सेम अलग अलग है सभी पार्ट्स। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, तो ये बच्चों देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को टू पी प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप पी स्क्वायर को इनसे गुणा करें, पहले मल्टीप्लाई करें पी टू पी की क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यू, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो इसे कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो पूरा हो चुका है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीन, तो सभी बच्चे ध्यान से समझे क्वेश्चन नंबर तीन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो उत्तर है देखो इसका बच्चों, फर्स्ट पार्ट है, इसको सरल करना है, सरल का मतलब इसको गुणा करना है और जोड़ना, जो भी होगा जोड़ घटा। तो यहाँ पे है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस पांच, सभी बच्चे ध्यान से समझे, ठीक है। तो पहले इनको आपस में गुणा करेंगे, फिर इस 25 अलग है इसको सॉल्व कर लेंगे फिर। तो ये देखिए एक्स क्यूब माइनस जमा पांच एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस फाइव एक्स आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे और माइनस 25, और ये प्लस 25 अलग से है। तो इसमें देखिए ये प्लस और माइनस 25 कैंसिल हो गए, बाकी आप ऐसे ही लिख लो, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर
माइनस फाइव एक्स आंसर है बच्चों आपका, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, आगे है बच्चों, देखिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं, यहीं पे कर रहा हूं मैं उत्तर इसका। तो देखिए इसको, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस 15 जमा 5, ठीक है। ये जमा 5 है यहाँ पे, ये आया नहीं ना, यहाँ जमा 5 है, ठीक है, नहीं वहां वीडियो में नहीं आया। फिर आपने करना है आगे, इसको लिख लो a² b³ प्लस 3a² 5b³ प्लस 20 आ जाएगा बच्चों, आंसर आइए। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से, टी प्लस एस स्क्वायर और t² - s, तो ये आ जाएगा बच्चों t³ - t s आ जाएगा, और फिर ये प्लस s² t² - s³, तो यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है बच्चों, आगे भी है, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं आगे भी। आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट, देखे हैं क्या है इसमें उत्तर। फोर्थ पार्ट में देखिए, ये आ जाएगा आपके पास a - b c - d - a - b c + d, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना, a को c और d से गुणा करना पहले, ठीक है, फिर a माइनस b को c प्लस d से गुणा करना है, और फिर दो को इन दोनों से गुणा करना है। अब जो सेम टर्म्स है ना, उनको जोड़ना है या घटाना। ac देखो, ac और दो ac, कितने ac हो गए, सारे जमा के हैं तो 4 ac हो जाएंगे। ऐसे ही ad माइनस का है और ad जमा का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और bc माइनस का है और bc जमा का है, ये भी कैंसिल हो गए बच्चों, माइनस bd और जमा 2 bd, तो ये -2 bd हो गए, जमा के 2 bd से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बस ये आपका आंसर आ गया। अब हम पांचवा पार्ट करेंगे बच्चों, देखो इसको फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये x जमा y से जमा x जमा 2y को x - y से गुणा करेंगे। तो अब x को इन दोनों से गुणा करना है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2x² - xy - 2xy - y². अब इसको करेंगे गुणा x² - xy - 2yx - 2y². अब देखो x² है कोई, x² और 2x² कितने x² होगी, 3x² xy जमा का है, 2xy हो गई और xy 3xy, और ये कैंसिल हो गया इससे, तो 2xy रह गए, xy और yx भी सेम ही होते हैं, तो 2xy 2xy 4xy y² और y², ठीक है। जमा का है 1y² है, माइनस के 2y² है, तो माइनस का y² आ जाएगा। अब और भी है देखो कुछ टर्म, x² हो गया था, xy हो गया, y² और ये, ठीक है,
ये आपका आंसर है बच्चों, तो इसे कर लीजिए, आगे करते हैं अब। ठीक है बच्चों, तो ये सिक्स पार्ट है। देखिए अब एक्स को इनसे गुणा करें, फिर वाई को इनसे गुणा करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स की 3 - x² वाई जमा x² फिर जमा वाई को इनसे गुणा करेंगे x² - x² और जमा y³। ठीक है, अब सेम टर्म्स हैं जो उनको ऐड कर सकते हो। x² y जमा का है, माइनस का कैंसिल हो गया। x² y जमा का है और माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बचेगा खाली x³ - y³। ठीक है आंसर। फिर आपका सातवां पार्ट है। सातवें पार्ट में देखें, 1.5x - 4y को 1.5x - 4y से और जमा 3 से गुणा करेंगे पहले, फिर -4.5x है जमा 12y है। ठीक है, तो इनको गुणा करें तो ये आ जाएगा आपके पास 15 × 15, 225 होते हैं बच्चों। तो ये 2.25x² ठीक है, और इसको इससे गुणा करेंगे, 15 × 60 होते हैं बच्चों, 6xy ठीक है, और फिर है 5 × 3 = 15, तो ये जमा 4.5x। अब -4 को इनसे गुणा करेंगे, तो 15 × 60 है -6xy, फिर -16y², फिर है -12y, फिर -4.5x जमा 12y। अब जो कटते हैं उनको काट दें, x² और भी है कोई? x² और कोई नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लें 2.25x², फिर xy जमा के 6xy, माइनस के 6xy कैंसल, जमा के 4.5x माइनस के ये कैंसल, 16y² है, ये 12y और ये 12y कैंसल, माइनस के 16y² बच गया आंसर। ये कर लें बच्चे, तो इसको अब इनको इनको गुणा करना है बच्चों, लास्ट पार्ट है। तो पहले ए को इन तीनों से गुणा करेंगे, तो a² + ab - ac ठीक है, फिर b को ab + b² - bc, फिर c को इनसे करेंगे तो जमा ac जमा bc - c² ठीक है, तो ये हो गया। अब a² तो नहीं है और कोई भी, तो ये a² + b² + c² सी स्केयर माइनस का है बच्चों, माइनस लिखना पड़ेगा हमें, -c² है। अब ए बी जमा का है, ए बी जमा का है और ए बी नहीं है, तो 2 ab, ए सी माइनस का है, ए सी जमा का है कैंसल, -bc जमा bc कैंसल, तो आपका आंसर है बच्चों ये, और तो रहीन टर्म कोई भी। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आशा है आपने अच्छे से समझी होगी। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।